नहीं तो कालंकार, अगर समुद्र को राधे को पर्यायवाच रख दिया तो अलंकार क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। जैसे पानी शब्द है और पानी शब्द के विभिन्न प्रसंगों में यानी अलग अलग जगह पर, पानी के संदर्भ में अलग हुआ, मनुष्य के संदर्भ में अलग हुआ, जीव के संदर्भ में अलग हुआ, एक ही शब्द के विभिन्न प्रसंगों में क्या निकलेंगे, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे पानी शब्द का पहला अर्थ है वो किसके संदर्भ में, मूर्ति के संदर्भ, मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होता है चमक। पूरी पंक्ति पढ़े रही मन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए रंगे मूर्ति मानस से सुन रही मन पानी राखे बिन पानी सब सुन रही मन पानी शब्द है राखे बिन पानी सब सुन, एक पानी और आ गया पानी गए रंगे मूर्ति मानस सुन, पानी शब्द तीन बार आया लेकिन उसमें आप यमक समझ लेना, पानी शब्द की आवृत्ति तो हुई है लेकिन पानी शब्द के अनेक अर्थ अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहे, ठीक है। यहाँ जो नीचे वाली पंक्ति है इसके कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। तो पानी के संदर्भ पानी गए ऊपर मुक्ति मानस सुन, पानी चले जाने पर अर्थात क्या चले जाने पर, समक चले जाने पर कौन नहीं उबर पाता, मोती उबर नहीं पाता। यानी मोती को क्यों याद किया जाता है, मोती की पहचान किसके कारण होती है, चमक के कारण। अगर मोती की चमक ही चली गई तो वो उभरे नहीं पाता। दूसरा मनुष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ होता है इज्जत। यानी मनुष्य की अगर इज्जत चली गई या पानी चले गया तो वह कभी उभरे नहीं पाता। और चून के संदर्भ में अगर बात करें तो चून का मतलब होता है खून और इसके संदर्भ में इसका मतलब है जल या पानी। चून हमारी खास है, चून की इज्जत तभी होगी जब क्या होगा, पानी, अर्थात पानी चला जाएगा तो चून की भी उभरे नहीं पाए।